नमस्कार, यूफोरी वॉइस में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभी तक की हेडलाइंस। पाकिस्तान ने हीरानगर में फिर किया सीज फायर उल्लंघन, जवाबी कार्रवाई देर रात जारी। भाजपा ने कश्मीर में शुरू किया प्रचार, बोले बीडीसी चुनाव में 95% सीटों पर जीत का दावा। कश्मीर के स्कूल 3 व कॉलेज 9 अक्टूबर तक खुलेंगे, डिपकॉम ने सभी इंतजाम करने की दी हिदायत। जम्मू कश्मीर में दरबार मुंह में अधिकारियों के लिए नए फ्लैटों की व्यवस्था। और अब समाचार विस्तार से। हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से सोमवार रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मनियारी और सतवाल बॉर्डर आउट पोस्ट के पास बनाए जा रहे बांध के निर्माण को बाधित करने के लिए गोलाबारी की। बीएसएफ जवानों ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम लगभग 7 बजे मनियारी और सतवाल बॉर्डर आउट पोस्ट के बीच बांध बनाने का काम शुरू किया गया। इससे बौखलाए पाकिस्तानी रेंजरों ने एक बार फिर मनियारी गांव के आसपास भारी गोलाबारी शुरू कर दी। रात 8:15 बजे के लगभग शुरू ही गोलाबारी का बीएसएफ की सतपाल पोस्ट से भी जवाब दिया। पाकिस्तान बीते सप्ताह से जहां बीएसएफ पोस्टों को निशाना बना रहा था, वहीं अब गोलाबारी की रेंज और बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। मनियारी गांव के लोगों ने गोलीबारी शुरू होने के बाद बंकरों में शरण ले ली है। प्रशासन और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चुनावों को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। उसने घाटी में प्रचार शुरू कर दिया है। भाजपा को उम्मीद है कि घाटी की 95 सीटों पर वो अपना परचम लहराएगी। 24 अक्टूबर को होने वाले चुनावों को लेकर भाजपा के पंचों व सरपंचों में काफी उत्साह है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर कहते हैं कि जहां के जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे, उन्होंने कभी नहीं चाहा कि यहां पंचायती राज मजबूत हो। इन दलों की नज़र में केवल विधानसभा और लोकसभा चुनाव ही लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के लोगों से गली मोहल्ले तक विकास पहुंचाने का जो वादा किया था, ये चुनाव उसी का हिस्सा है। अल्ताफ ठाकुर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वर्तमान में कोई पंच सरपंच बंद नहीं है। अगर कोई बंद है तो वो लोग हैं जिन्होंने 70 वर्षों तक देश को लूटा। उन्होंने कहा कि बीडीसी चुनावों को लेकर आज श्रीनगर में एक अहम बैठक हुई, जिसमें 10 बीडीसी इलेक्शन इंचार्ज और 115 ब्लॉक इंचार्ज की सूची तैयार हो गई है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हर ब्लॉक में जाकर इन चुनावों के फायदे लोगों को बताएं। कश्मीर घाटी में हायर सेकेंडरी तक के सरकारी व निजी स्कूलों को 3 अक्टूबर और सभी कॉलेजों को 9 अक्टूबर तक खोलने को कहा गया है। डिविजनल कमिश्नर बशीर अहमद खान ने सोमवार को ये आदेश जारी किए। ज्ञात हो कि 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से लगातार स्कूल व कॉलेज बंद हैं। डिपकॉम ने आज सभी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर्स मीट आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस सिलसिले में सोमवार को हुई बैठक में उन्होंने सभी डीसी को हिदायत दी कि स्कूलों तथा कॉलेजों को खोलने के लिए सभी प्रकार के इंतजाम को अंतिम रूप दिया जाए। बैठक में ये बताया गया कि घाटी में बिना किसी असुविधा के मेडिकल व डेंटल कॉलेज चल रहे हैं और बच्चे परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। बैठक में श्रीनगर के डीसी, एसएसपी, निदेशक स्कूल शिक्षा मौजूद थे। घाटी के अन्य जिलों के डीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। कश्मीर से दरबार मुंह जम्मू स्थानांतरित होने पर इस बार अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए पुराने फ्लैटों व क्वार्टरों की साज सज्जा के अलावा नए फ्लैटों की भी व्यवस्था की गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुट्ठी मोड़ रूपनगर में जेडीए से 32 फ्लैट खरीदे गए हैं। ये फ्लैट दरबार मुंह के साथ जम्मू आने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को अलॉट किए जाएंगे। इसके अलावा अहाता, अमर सिंह में एस्टेट विभाग की ओर से 28, सरवाल में 28 और रूपनगर में 28 फ्लैट निर्माणाधीन है। निर्माण कार्य पूरा होने पर ही इन्हें अधिकारियों को अलॉट किया जाएगा। विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद इलियास के अनुसार विभाग के जम्मू में करीब 3,167 फ्लैट हैं। इनको दरबार मुंह के साथ आने वाले कर्मचारियों को अलॉट किया जाएगा। 32 नए फ्लैट रूपनगर में खरीदे गए हैं, जो कि इस बार दरबार के साथ आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को अलॉट किए जाएंगे। कई नए फ्लैटों का निर्माण भी करवाया जा रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार 25 अक्टूबर को श्रीनगर में दरबार मुंह के कार्यालय बंद हो जाएंगे, फिर 4 नवंबर से जम्मू में दरबार खुल जाएगा। दरबार मुंह के साथ नागरिक सचिवालय, राजभवन के अलावा हाईकोर्ट, पुलिस मुख्यालय समेत कई अन्य विभागों के करीब 10,000 मुलाजिम जम्मू शिफ्ट हो जाएंगे। इसी के साथ अभी तक के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूफोरी वॉइस। नमस्कार।